नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे बिहार के दरभंगा जिला में एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है और एक बीघा में कितना डिसमिल होता है। तो दोस्तों, इसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ज़मीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बिहार के दरभंगा ज़िला की बात करें तो वहाँ पर जो है लग्गा साइज जो चलता है वह सर्वे लग्गा साइज 6.5 हाथ का है। ठीक है, तो 6.5 हाथ का लग्गा साइज है, तो इसमें अगर आप वर्ग फीट की बात करेंगे तो एक कट्ठा में 1901.25 वर्ग फीट बराबर एक कट्ठा होता है 6.5 हाथ के लग्गा से। उसी में अगर हम अब डिसमिल देख लें, ठीक है, तो डिसमिल जो होता है 4.364, ये जो है आपको डिसमिल होता है एक कट्ठा में। अगर हम एक बीघा की बात करें तो एक बीघा में तो जान ही रहे हैं सभी आदमी कि 20 कट्ठा होता है। ठीक है, तो उसको हम 1901.25, ये तो स्क्वायर फीट हो जाता है, इसको हम गुना कर देंगे जो आएगा उसमें आप भाग दे देंगे तो निकल के आएगा आपको 87.293। ये जो है आपको एक बीघा में डिसमिल निकल जाएगा 6.5 हाथ के लग्गा से, क्योंकि दरभंगा का जो लग्गा साइज है सर्वे लग्गा साइज वो 6.5 हाथ का है। तो कहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना डिसमिल होगा एक कट्ठा में, ये डिपेंड इस बात पर पड़ता है कि उस ज़िला का वहाँ का सर्वे लग्गा साइज क्या है, तभी आप जो है उसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नहीं तो ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि कट्ठा में जो है एक कट्ठा में इतना ही डिसमिल होगा। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि किस ज़िला में किस तरह के लग्गा साइज है, उसके अनुसार डिसमिल ज़्यादा भी हो सकता है कट्ठा में, डिसमिल कम भी हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।